حضرت میں سلام کرتا ہوں چھ ججوں کا جو انہوں نے یہ مدعا اٹھایا کہ اور وہ بات نہ ہے کہ ہم سب جانتے تھے لیکن یہ بڑی بات ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ ان کے رشتہ داروں کو ان کے ساتھ جبر و ستم کیا جا رہا ہے ان کے کیمروں کے بیڈ ان کے کمروں سے ٹی وی کے ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ پتہ ہے ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ کس سوچنے کا مقام ہے ابھی مرد صاحب نے بات کی کہ آزاد عدلیہ آپ آزاد عدلیہ کے لیے مرد صاحب اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں آپ کسی واحد جج کے لیے نہیں لڑ رہے لیکن آپ کو لیڈ کرنا ہے آپ کی طرف سے جو موومنٹ ہوگی اس کا پورے ملک میں بڑا اثر ہوگا
हिदायत नहीं की। और ये कल परसों आई थिंक थर्सडे को सिंध हाई कोर्ट बार के फंक्शन में कहा गया, देखा तो मुझे, मैं बड़ा परेशान हुआ ये बात सुन के। मैं तो खुश हुआ और परेशान भी। खुश मैं ये हुआ कि चले माशाल्लाह से आपके मदासत बंद हो गई, यानी कितनी जुडिशरी हमारी ताकतवर हो गई, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ये मदासत खत्म हो गई। फिर मैंने सोचा ये बात हो सकता है ये भी हो कि जुडिशरी के अंदर वो उस तरह के फैसले नहीं आ रहे हो या उनको जरूरत ही नहीं है मदासत करने की। ये भी तो हो सकता है कि अब जुडिशरी बिल्कुल उनके ताबे हो गई हो कि वो नहीं। तो ये हमें फैसला करना है, इसके ये फैसला केस करेगा कि आपकी अदलिया आजाद है या नहीं। अगर फैसला ये आता है कि जजों ने जो बात की ये गलत है, फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बात। और आप 30 तारीख को मेरी दरख्वास्त है जिन लोगों ने कि ये बात बावर कराए कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी शहादत दे और वहीं फैसला करे, किसी कमीशन में या उसमें भेज देना। लेकिन हो सकता है जो भी कुछ फैसला करेंगे हम पे बाइंडिंग होता है, लेकिन इस मामले को दबना नहीं देना चाहिए। अगर ये आज मामला दब गया तो ये हमेशा मुदाखलत होती रहेगी और फिर फैसले उनकी मर्जी से आएंगे। आप ये देखें, नाम फैसले तो जज कर देते, असल फैसले होते हैं जिससे मुल्क की तकदीर का फैसला होता है। आज तक हम रोते हैं जस्टिस मुनीर के फैसले को जो उन्होंने उसमें किया, मौलवी तमीजुद्दीन खान का केस, अभी भी उसके पीरियड हमने देखा। आपको याद होगा, यहाँ ज्यादातर जो सीनियर्स बैठे उनको याद होगा, एक हमारे वजीर आजम थे जुलैजो साहब, उनकी उनकी असेंबली को डिसमिस किया, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट में उनका केस चला और वो उनको कहा कि हाँ उनका डिसमिसल गलत था लेकिन हम उनको रिस्टोर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन सर पे खड़े हुए। बाद में पता लगा एक वकील साहब पैगाम लेके गए चीफ जस्टिस साहब के पास और कहा गया कि जी अब आपने रिस्टोर नहीं करना है, ये डॉक्यूमेंटेड चीज है। इस तरह से अगर पैगाम जाते रहेंगे और उन पैगामों पे फैसले होते रहेंगे जो हुए हैं इस मुल्क में, और अल्लाह करे आगे मैं दरख्वास्त करूंगा कि आगे ना हो। आप लोगों को खड़ा करना इसके साथ कहते आइंदा ये मौलवी तमीजुद्दीन खान, जस्टिस मुनीर और अब जैसे जजेस इस मुल्क में ना आए, और जब तक वो आते रहेंगे हम लोग आजाद नहीं होंगे, हम लोग एक बनाना रिपब्लिक ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजूर असल मंजूर भट्ट साहब, हमारे साथ साथ बहुत शुक्रिया आवेद जबारी साहब। मैं पंडाल के मलिक आसिफ रिजवान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, आसिफ चौहान साहब आए उनको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज आप तमाम दोस्तों को